मैहर में आम आदमी पार्टी के द्वारा कचहरी के पास स्थित मां शारदा पैलेस में महासदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने आम आदमी की टोपी पहनकर सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद आजादी महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। सदस्यता ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह, संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह सहित वक्ताओं ने कहा कि आज आम आदमी की पार्टी का तेजी से विस्तार होता रहा है, जिसमें आम लोग सदस्यता ग्रहण कर पार्टी के प्रति विश्वास जता रहे हैं। आम आदमी की पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही है। यहीं अभी हाल ही में हुए पंचायती एवं निकाय के चुनाव में एक महापौर और 40 से अधिक पार्षद एवं 300 से ज्यादा जिला जनपद सरपंच उप सरपंच बनाए हैं। अब आने वाले समय में पार्टी अन्य राज्यों में अपना परचम लहराएगी, जो रुकने वाली नहीं है। महासदस्यता अभियान में सतना जिले में अभी तक 4000 से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए मैहर से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। आज हमने करीब 300 से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं संगठन विस्तार के लिए, और अगले दो महीने में हमारा टारगेट है कि जो आज यहाँ से व्यक्ति आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, वो व्यक्ति अगले दो महीनों में बूथ स्तर पे काम करके पूरे मैहर विधानसभा में संगठन को खड़ा करेंगे। ये हमारा था। और दूसरा, तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी देशभक्ति में कहीं पीछे नहीं है, और वो एक्चुअल में देशभक्ति वही होती है जो जनता की सेवा करे, ईमानदारी के साथ सेवा करे। और पूरे ज़िले में ये अभियान चल रहा है हमारा, उसी की तारतम्य में हम लोग पूरे ज़िले में गांव-गांव कस्बे-कस्बे में जा रहे हैं, उनको जाके सहयोगात्मक ढंग से उनके साथ आते हैं, उनको कहते हैं भैया आप सदस्यता अभियान जारी रखो और बूथ स्तर तक अपने सदस्य बनाओ। और ये 300 सदस्य अपने अपने बूथ स्तर में जाके एक दो महीने के अंदर ये लोग लगभग 500 कार्यकर्ता बनाने की योजना बना के रखी अपने दिमाग में। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है, और उसी संकल्प के साथ यह भी संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा 2023 को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने के लिए हम बूथ स्तर पर 21 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे, साथ ही वार्ड कमेटी का गठन करेंगे। और हमारे पास धन बल नहीं है, तो हम जनबल के साथ आगामी चुनाव में भाग लेंगे, यही हमारा संकल्प है। और देश में, प्रदेश में और ज़िले में काम की राजनीति का शुरुआत करेंगे, यही हमारा आम आदमी पार्टी का संकल्प है। अभी तक हम लोग नए कार्यकर्ता लगभग 3 से 4 हज़ार हम लोग बना चुके हैं। आगामी 5 से 6 माह के अंदर हम लोग पूरे ज़िले में कम से कम 50,000 आम आदमी पार्टी के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं, और उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि आगामी जो 2023 का पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें असली देशभक्ति की पार्टी, असली राष्ट्रभक्ति की पार्टी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कब्जा करेगी, आम जनता के उद्देश्यों को, उनके समस्याओं का समाधान करेगी।